श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अध्याय 90 भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश देना। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया था और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र उतार कर वहीं रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनि व भरद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषि के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अर्घ्य ले आने को कहा। फिर वे वशिष्ठ से मिले, तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्य पाद्य तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या सेना खजाना मित्रवर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर अग्निहोत्र शिष्यवर्ग पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। महायशस्वी भरद्वाज सब ठीक है, ऐसा कहकर श्रीराम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले, तुम तो राज्य कर रहे हो ना? तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौसल्या ने जन्म दिया है तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घकाल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो? 11-13 भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा आई। वे लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, भगवन, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब तो मैं हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्रीराम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है, यह मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न माता की उस बात को स्वीकार ही करता हूँ। मैं तो उन पुरुष सिंह श्रीराम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवन, आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्रीराम कहाँ हैं? इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी यह प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पर प्रसन्न हों। तब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो, तुम में गुरुजनों की सेवा इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा ये भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना, आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया।